अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। ये क्नोर क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स की रेसिपी है। इसके साथ हम फ्राइड चिकन रेडी करेंगे। सबसे पहले तो मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, उसमें ये मसाला आधा पैकेट ऐड करूँगी और आधा बचा के रखूँगी, वो भी यूज़ होगा लेकिन बाद में। अपने मसाले को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास कम वक्त हो तो 1 घंटे के लिए लाजमी रखिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा कुछ ज़्यादा ही। तो अब सेकेंड स्टेप ये है कि हमने एक बाउल लिया, उसमें मैदा लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, साथ ही इसमें मैंने ग्राम फ्लोर लिया है 3 टेबल स्पून बेसन। ये जो मसाला मैंने रख लिया था बचा कर, वो इसमें मैंने ऐड किया है, 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितनी आपके घर में मिर्चें हैं पसंद की जाती हैं ज़्यादा या कम, आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास बहुत अच्छा सा ना पाउडर बन गया है, उसको साइड पर रख लेंगे। चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था 2 आवर्स के लिए। तो अब इसके साथ हम एक अंडा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा डालने से ये होगा कि थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा और चिकन क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए, मैंने अंडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें चिकन के साथ। साथ ही ये जो बेसन मैदा और मिक्स पाउडर डाला था मसाला, वो ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये चम्मच से कुछ अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, फिर मैंने हाथों से मिक्स किया है। आप भी, आपको जो आसान लगे, जिस तरीके से आसान लगे, आसानी से हो जाए मिक्स, तो वैसे कर लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन यहाँ मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ ही मैंने इसको ऑयल को रख दिया था चूल्हे पर गर्म करने के लिए 5 मिनट पहले। स्लो फ्लेम पे आप भी रखिएगा ताकि अच्छे से चिकन गर्म हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है स्टार्टिंग पे, और बाद में फ्लेम थोड़ा सा लो कर देना है ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए। चिकन बिल्कुल ही कच्चा है, इसीलिए इसको अच्छी तरह पकाने के लिए पहले हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, फिर साथ ही जब थोड़ा सा बाहर से क्रिस्पी बनाने लगेगा तो हम लो फ्लेम कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइड चिकन तैयार होगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट बनने वाली है। दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो गया, मैंने निकाल लिया है। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के चिकन फ्राइड बने हैं। चिकन बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह।